এসপিবি 3K স্ট্রেঞ্জার কোম্পানির এম্প্লিফায়ার। এই এম্প্লিফায়ার ভি সাউন্ড কা প্রবলেম হ্যায়, তো দেখিয়ে হাম ইসকো চালু করেঙ্গে। ইসকা প্রবলেম আপ লোক দেখিয়ে, তো হাম এম্প্লিফায়ার কো অন করতে হ্যায়। তো ইসকা জো ইনপুট আউটপুট কানেকশন হামনে পহলে ভি কর দিয়া হ্যায়, और एम्पलीफायर को खोल भी लिया है। देखिए ये जो इसका बोर्ड है, इसी बोर्ड में प्रॉब्लम है, अभी हमने इसको ठीक नहीं किया है, ठीक करेंगे। और तो हम चालू करते हैं, देखिए इसको ऑन करते हैं। देखिए एम्पलीफायर को हमने ऑन कर दिया है, अभी इसका साउंड चेक करेंगे। पहले हम चैनल ए जो है इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए देखा, इसका साउंड बहुत ख़राब है, साउंड में जड़ता है और साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है। अभी चैनल बी को हम साउंड बढ़ाते हैं, देखिए चैनल बी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखा चैनल बी का साउंड ठीक है और साउंड में क्वालिटी है, और चैनल ए का साउंड ठीक नहीं है। फिर से एक बार हम बढ़ाते हैं, देखिए। यही प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम हम ठीक करेंगे। तो पहले जो बोर्ड है, बोर्ड को हम खोल लेंगे और देखेंगे इसका क्या पार्ट्स ख़राब है, हम चेक करेंगे। तो अभी एम्पलीफायर को हमने बंद कर देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने ये जो चैनल वन का बोर्ड को हमने चेक कर लिया है, बोर्ड में कुछ ख़राबी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बोर्ड का जो सप्लाई है, सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए ये जो इस साइड है, देखिए इस साइड में ये जो पॉइंट है, टैपिंग पॉइंट है, ये प्लस सप्लाई का पॉइंट है, और इस साइड में देखिए ये माइनस सप्लाई का पॉइंट है। सप्लाई का जो पॉइंट है, देखिए ये 6 पिन का पॉइंट है और ये 8 पिन का पॉइंट है। तो इसमें देखिए ट्रांजिस्टर जो ये जो चैनल में जो ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर में जो बेस वोल्टेज होता है, तो वो बेस वोल्टेज सप्लाई जो प्लस साइड में है वो नहीं है, वो जीरो हो गया है। लेकिन ये जो बोर्ड है, बोर्ड में सब कुछ ठीक है, कोई पार्ट्स ख़राब नहीं है। तो किसी कारण से वो जो बेस वोल्ट का जो सप्लाई है वो ऑफ हो गया है, तो हमसे ये बोर्ड को ठीक करना है। तो इसीलिए माइनस साइड जो है, माइनस साइड तो ठीक है, इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस साइड में देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज जो होता है, वो जो 5 वोल्ट होता है, प्लस 5 वोल्ट, और यहाँ पर जो -5 वोल्ट ठीक है, और ये इस धर में इस साइड में प्लस जो 5 वोल्ट वो नहीं है, तो वो वोल्ट हमको देना पड़ेगा, तो तभी एम्पलीफायर का साउंड ठीक होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको। दोस्तों एम्पलीफायर को हम ऑन कर देते हैं। देखिए एम्पलीफायर को हमने ऑन कर दिया है, अभी डीसी दूसरा रेंज में मीटर हमने रख दिया है। देखिए पहले जो प्लस साइड का वोल्टेज है ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए इस पिन में वोल्टेज दिखा, हाँ देखिए 64.4 वोल्ट, और इस पिन में भी देखिए, हाँ देखिए इस पिन में देखिए 33.4 वोल्ट, और इस पिन में भी देखिए 34.51 वोल्ट, और एक पिन में देखिए
34.0 वोल्ट, और ये जो है ये बेस वोल्टेज का सप्लाई है। देखा ये इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो आ रहा है, देखा कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसी वोल्टेज को आना होना चाहिए इस पिन में, इस पिन में 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो ये जो एम्पलीफायर का जो साउंड है वो काफ़ी ठीक नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो ये जो पिन है देखिए, इस पिन में कोई भी सप्लाई नहीं है, जीरो आ रहा है, और इस पिन में देखिए ये ग्राउंड वोल्टेज है, ये ठीक है, ये इसमें वोल्टेज नहीं रहेगा, ये तो ग्राउंड पॉइंट है, लेकिन ये बेस पॉइंट है देखिए, इसमें वोल्टेज नहीं है। और इस साइड में देखिए ये भी ग्राउंड पॉइंट है, जीरो आएगा, देखा जीरो, इसमें भी जीरो आएगा, जीरो, और इसमें भी आएगा जीरो, ये जो तीन है ग्राउंड पॉइंट है, इसमें जीरो आएगा। अभी देखिए ये जो सप्लाई पॉइंट है देखिए, ये देखिए ये जो बेस का सप्लाई वोल्ट है देखिए, माइनस फाइव वोल्ट आ गया है माइनस साइड में, और ये देखिए प्लस वोल्ट, ये जो माइनस जो ट्रांजिस्टर का वोल्टेज है देखिए 34.2 वोल्ट, ये भी देखिए 34.4 वोल्ट, और ये हाई होना हो चाहिए, ये देखिए 68.5 वोल्ट, ये भी 68.5 वोल्ट। तो इस साइड में वोल्टेज ठीक है, तो इस साइड का जो बेस वोल्टेज है वो नहीं है, तो इसी वोल्टेज को आना फिर से एक बार देखिए, कैमरा से ठीक नहीं देख पाते हैं आप लोग, देखिए ये देखिए इसमें जीरो आता है, देखा जीरो है, ये 5 वोल्ट होना चाहिए प्लस 5 वोल्ट, और इस साइड में जो वोल्टेज है वो सब ठीक है, वो तो आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे, और बोर्ड का तो सभी पार्ट्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम गाना चालू करते हैं, कैसे हम इसको ठीक करते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो तीन जेनर डायोड है, ये जो जेनर डायोड है ये बेस में गया है, बेस वोल्टेज जो 5 वोल्टेज आता है इस जेनर डायोड से आता है। तो इस जेनर डायोड में हम चेक कर लेंगे, जेनर डायोड ठीक है लेकिन उसका वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। देखिए इसका वोल्टेज देखिए, जो प्लस पॉइंट में वोल्टेज देखिए 2.5 वोल्ट आ रहा है, और माइनस पॉइंट में देखिए वोल्टेज कुछ नहीं है। तो इसी पॉइंट बेस में गया है, तो ये जो जेनर डायोड है इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वोल्टेज भी 5 वोल्ट आ जाएगा। तो हम पहले गाना चालू करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कैसा साउंड चेंज होता है। तो हम गाना चालू करते हैं, गाना चालू कर दिया है, अभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं देखिए। देखा कैसा आवाज़ है। तो अभी हम देखिए ये जो जेनर है इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो वो आवाज़ ठीक हो जाएगा। तो अभी वॉल्यूम दे देते हैं देखिए, देखिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। देखा दोस्तों कैसे आज चेंज हो रहा है, फिर से एक बार हम दिखाते हैं। देखा दोस्तों हमने फिर से एक बार एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है, भगवान भगवान भगवान, ये जो जेनर डायोड है देखिए, ये जेनर डायोड का नंबर है IN4734। तो इसी जेनर डायोड को हम शॉर्ट कर देंगे तो आज ठीक हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं देखिए, Thank you.
देखा दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इसी जेनर डायोड को हम शॉर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एम्पलीफायर भी अच्छा चलेगा। तो अभी हम इसको शॉर्ट कर देंगे और एम्पलीफायर को ओके कर देंगे। ठीक है, अभी बंद कर देते हैं। दोस्तों हमने एक एयर ले लिया है और जो जेनर है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। हमने शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने जेनर डायोड को शॉर्ट कर दिया है। अभी फिर से एक बार हम गाना चलाएंगे, देखिए आप कैसा चेंज हो गया साउंड। फायर को फिर से ऑन कर देते हैं, बढ़ाते हैं, देखिए है।